महंत नरेंद्र गिरी के मौत हो जाने के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद खाली है। उनकी सोर्सी भंडारा का आयोजन हो गया और बगम्बरी गद्दी का उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद अभी भी खाली है। लगभग देश के 13 अखाड़ों ने अलग अलग दावेदारी कर दी गई। सभी ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है। निरंजनी अखाड़े से लेकर बैरागी संप्रदाय के अखाड़े और उदासीन संप्रदाय के अखाड़ों ने अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं अखाड़ों के, उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महासचिव हरि गिरी जी ने 25 अक्टूबर को अखाड़ा परिषद अध्यक्ष पद की बैठक के लिए बैठकें बुलाई हैं और उसमें सभी अखाड़ों का आमंत्रण भेजने का प्रयास भी शुरू हो गया है। हमारे साथ आज हैं किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर टीना माँ हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का जो अध्यक्ष है किन्नर अखाड़े का क्या राय है और किसके तरफ किन्नर अखाड़े होगा, क्या मत होगा, इन्हीं सब बातों के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की टीना माँ हैं। जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का पद होता है वो काफ़ी प्रमुख पद होता है, वो 13 अखाड़ों को होता है और 13 अखाड़े पूरे देश का लीड करता है। तो ये पद खाली है, सभी अखाड़े अपनी अपनी दावेदारी कर दी, तो किन्नर अखाड़ा की क्या राय है, उनको अपने आप को कहाँ? हाँ, जय श्री महाकाल। ये जो पदक जो हमारे नरेंद्र गिरी जो उनका बर्मलीन हो गए, उनके बाद ये पद खाली है, अध्यक्ष का पद अखाड़ा परिषद का। तो मेरा यही कहना है कि इसमें तो सबसे पहले 13 अखाड़े के ही सर्वसमिति से उनको अध्यक्ष चुना जाएगा और हमारे 2019 में हमारे जूना अखाड़े के हरि गिरी महाराज जी ने हम पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपने अखाड़े में शामिल किया गया। तो हमारा यही सोच है, मेरा यही कहना है कि हम जूना अखाड़े के साथ में हूँ। यदि जूना अखाड़ा जिसको सपोर्ट करेगा, हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और हमारा भी उन्हीं का वोट है। जूना अखाड़े से अध्यक्ष पद के लिए कौन से मान चाहते हैं कि मतलब कौन अध्यक्ष बने, किसकी दावेदारी थे? जी, मैं जूना अखाड़े से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जूना अखाड़े से अध्यक्ष पद के लिए नाम भी गया हुआ है और मेरे व्यक्तिगत तौर से मैं यही कहना चाहूँगी कि हरि गिरी महाराज जो अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष, हरि गिरी महाराज भी बने। जूना अखाड़े में बहुत से संत महात्मा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पद में हैं, तो किन्नर अखाड़ा भी अपने आप को कहाँ देखता है इस पद में? हाँ, जूना अखाड़ा के साथ हम लोग हैं तो हम यही देखते हैं कि जूना अखाड़ा जिसको सपोर्ट करे हम उनको सपोर्ट करें। अगर आपको पद मिलता है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद में तो आप कैसे अपनी भूमिका क्या? जी, यदि जूना अखाड़ा हमको उसमें अपना नॉमिनेट करते हैं, अपना नाम देते हैं जूना अखाड़े में, तो इसमें सही है, हम लोग भी उसमें अपना दावेदारी करेंगे, मगर जूना अखाड़ा जिसको कहेंगे हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। माता जी, बहुत सारी बातें भी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब तक सभी 13 अखाड़े साथ नहीं होंगे तो हरि गिरी मतलब जो अखाड़ा परिषद है वो नहीं डिसाइड कर पाएगा, तो अभी बड़े विवाद है, तो इस विवाद को लेकर क्या कहना चाहिए? विवाद के लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब कोई बैठ के 13 ही अखाड़ा बैठ के अपने में राय मशवरा करें और निर्णय तक पहुँचे और एकदम सौहार्द वातावरण शांतिपूर्वक से जो रिक्त जो पद है उसमें नॉमिनेट करके उनको अध्यक्ष पद चुना जाए, मेरा यही कहना है। बैठक में किन्नर अखाड़ा शामिल? जी जरूर, हरि गिरी महाराज के यदि आदेश होगा तो बैठक में जरूर किन्नर अखाड़ा शामिल होगा। देखिए, हमारे साथ ये किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर टीना माँ थी, इन्होंने बताया कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष का पद जो है उसके लेके कई अखाड़ों के अध्यक्ष ने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी किया है, लेकिन किन्नर अखाड़ा साफ साफ से ये कह दिया है कि जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा है, जहाँ जूना अखाड़ा जाएगा वहाँ किन्नर अखाड़ा जाएगा। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।